भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ में करणी सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 23 सितंबर को चित्तौड़गढ़ में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर चर्चा की गई। साथ ही सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। बैठक में जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, शहर अध्यक्ष रामेंद्र सिंह, हेमेंद्र सिंह, केपी सिंह सहित करणी सेना के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। करणी सेना द्वारा 23 सितंबर को चित्तौड़ के अंदर जौहर स्वाभिमान रैली की तैयारियां शुरू, इसी संदर्भ में आज हम भीलवाड़ा तहसील मांडलगढ़ में आए हैं। यहां के जो तहसील अध्यक्ष हैं केपी सिंह जी, क्या तैयारियां कर रहे हैं? हमारा लक्ष्य जो 23 सितंबर को जो चित्तौड़ में है वो 8 लाख लोगों का है। सभी अपनी पारंपरिक जो वेशभूषा उसमें आए, कहाँ से कितने लोग आएंगे उनकी कमेटियाँ बना दी गई है। तहसील अध्यक्षों को, जिला अध्यक्ष को, सबको उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है और बहुत जल्द 19 तारीख को इसकी एक प्री मीटिंग रखी गई है हमने, जहां कालवी साहब खुद पधारेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना पधारेंगे,